संस्कृति मंत्री ने अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ करते हुए कहा कि संस्कृत संस्कृति और संस्कारों के सुदृढ़ीकरण के लिए विभाग हमेशा प्रयासरत रहेगा। सोमवार को देवोत्थान एकादशी के पर्व पर मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कालिदास संस्कृत अकादमी में सप्त दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किया। मंत्री ठाकुर द्वारा महाकवि कालिदास के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा महाकवि कालिदास और पंडित सूर्य नारायण व्यास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा नांदी पाठ और मध्य प्रदेश गान का गायन भी किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा संस्कृत के कालिदास शोध पत्रिका दुर्वा, शोध पत्रिका कालिदास और चित्र प्रदर्शनी के कैटलॉग का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण संस्कृति विभाग के संचालक आदित्य कुमार पांडे ने संस्कृत में दिया। कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि स्वामी मधुसूदन आचार्य महाराज थे। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि महाकवि कालिदास ने भगवान महाकालेश्वर की नगरी को चुना है। महाकवि कालिदास का साहित्य अद्भुत था, विश्व के साहित्यकार उनके सामने नतमस्तक थे। संस्कृति विभाग हमेशा संस्कृत संस्कृति और संस्कार के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयासरत रहा है और आगे भी रहेगा। अखिल भारतीय कालिदास समारोह में भी सभी कला प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। लोगों को चार विद्यार्थी जगत से और चार जन सामान्य से उन आठों लोगों को हवाई टैक्सी से अयोध्या जी के दर्शन कराए जाएंगे। ये बात इसलिए रखें कि युवा पीढ़ी इसके साथ बहुत उत्साह के साथ जुड़ने को तत्पर है, किसी बहाने ही सही, पर वो संस्कृति और संस्कारों को समझें, भारत और भारतीयता को समझें और इस भारत को विश्व शक्ति बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हम सब निभाए, इसी भाव से संस्कृति विभाग काम कर रहा है। आप सबके सुझाव आमंत्रित करती हूँ, आप सबका मार्गदर्शन मिले और हमारा विभाग सच्ची सेवा कर सके संस्कृति की, यही प्रार्थना आप सब। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने किया। इस दौरान कालिदास संस्कृत अकादमी के निदेशक प्रोफेसर संतोष पांड्या, श्रीपाद जोशी, योगेश्वरी फिरोजिया एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। आभार प्रदर्शन के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें ऋतु शुक्ला की प्रस्तुति अद्भुत रही, जिसे दर्शकों का अच्छा प्रतिसाद मिला और दर्शकों ने इस प्रस्तुति को सराहा। कालिदास सम्मान समारोह का शुभारंभ बहुत ही भव्य और आत्मीयता पूर्ण वातावरण में हुआ है। कल की यात्रा और आज का ये प्रथम दिन सभी कलाकारों को और देशभक्तों को समर्पित है। बहुत सारे हमने सारे जो विद्वत जन हैं उज्जैन सहित पूरे प्रदेश के सबको आह्वान किया है कि आप सबके सुझाव आए और हमारा कालिदास सम्मान समारोह अपनी गरिमा के शिखर को प्राप्त करे।